भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की राजनीति को देखते हुए आए श्रीकांत शर्मा इस समय उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री भी हैं और साथ ही साथ प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी हैं। सरकार के एक साल पूरे होने पे आज हम उनसे बात करना चाहते हैं उन सारी चीजों पर जो कि आप जानना चाहते हैं, खासतौर से एक साल पूरे होने पे जो भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में मिली बड़ी हार है उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा उनके विभाग से भी जुड़ी हुई जो भी तमाम बातें हैं उस पर भी हम श्रीकांत शर्मा जी से बात करेंगे। तो श्रीकांत शर्मा जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो एक साल पूरे हो गए हैं, आपने केंद्र के कार्य प्रणाली को भी देखा है, उत्तर प्रदेश सरकार को भी आप देख रहे हैं, कितना अंतर है दोनों में और क्या कमी अब तक आपको नजर आई केंद्र के जो सरकार चलाने का तरीका है और उत्तर प्रदेश का जो सरकार चलाने का तरीका, उसमें मैं आपसे सिर्फ कमी पूछना चाहता हूं क्योंकि खूबियां तो आप बता ही देंगे लेकिन कमी क्या क्या है वो मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं कमी से शुरुआत करता हूं। 19 मार्च 2017 को जब बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो 15 साल की बिगड़ी हुई व्यवस्था यहां थी, अपराध, भ्रष्टाचार, कुशासन। मैं ये कहूं कि जो कार्यपद्धति थी काम करने की वो बिल्कुल अलग थी, एक फैमिली सेंट्रिक कार्यपद्धति होती थी क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो काम करने का तरीका वो लगभग एक जैसा ही था। व्यवस्था आईसीयू में थी, मैं कहूं मरणासन व्यवस्था यहां थी जो हमें विरासत में मिली। एक साल में सबसे बड़ा बदलाव यह किया कि हमने जो उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था थी वो केवल अपने और अपनों को ही पहचानती थी, जनता के साथ उसका कोई सरोकार नहीं था। बड़ा परिवर्तन यह आया कि हमने व्यवस्था को पटरी पर भी लाए और उस व्यवस्था ने अब उत्तर प्रदेश के आम जन को पहचानना शुरू कर दिया है। केंद्र की योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, राज्य की योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, बिना किसी भेदभाव के पहुंचे, ये अब हमने सुनिश्चित किया है। केंद्र का प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है उज्ज्वला योजना, जिसमें हम हर गरीब के घर को धुएं से मुक्त कर रहे हैं, हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। वह योजना हमारी बिना किसी भेदभाव के यहां जमीन पर क्रियान्वित हो रही है। प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है सौभाग्य योजना। उस योजना का लक्ष्य है गरीब के घर को अंधेरे से मुक्त करने के लिए, हर गरीब की झोंपड़ी में रोशनी पहुंचे, वह योजना हम बिना किसी भेदभाव के नीचे तक क्रियान्वित कर रहे हैं। आपने वर्क कल्चर का पूछा कि जब नेतृत्व पर निर्भर करता है, आज केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार का नेतृत्व करते हैं, जिस मंशा के साथ वो चाहेंगे उस मंशा के साथ अधिकारियों को काम करना पड़ेगा, वही कल्चर हमने यहां चालू किया। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से अधिकारियों से काम कराती थी। मैं तो ये कहूंगा कि जब हम प्रदेश में आए तो यहां तो अधिकारियों का भी राजनीतिकरण हो चुका था। कुछ लोग सपा की भाषा बोलते थे, कुछ लोग बसपा की भाषा बोलते थे। एक साल में जो सपा और बसपा की भाषा बोलते थे आज उन्होंने आम जन की भाषा बोलना शुरू कर दिया है, और कुछ अभी भी हमारे रडार पे हैं, अभी भी उनको बहुतों को दुरुस्त करना है। अभी भी जो सरकार की मंशा है उसके अनुसार बहुत लोग हैं जो लापरवाही कर रहे हैं, नीचे तक डिलीवरी नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, उन पर भी अंकुश है, वो भी रडार पर है, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जब तक उत्तर प्रदेश का उत्थान नहीं होगा, उत्तर प्रदेश जब तक तरक्की नहीं करेगा, तब तक देश की तरक्की की बात करना या देश पूर्ण रूप से तरक्की कर जाएगा ये बेईमानी होगा। तो बेसिक फर्क ये है, अप्रोच का फर्क है, नेतृत्व का फर्क है, सोच का फर्क है। पहले केवल और केवल एक विशेष वर्ग के लिए उत्तर प्रदेश में सरकारें काम करती थी, एक विशेष वर्ग के लिए काम करेंगे या अपने और अपने परिवार के लिए काम करेंगे। अब पद्धति है कि हम केवल सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन यह है। आपने बात अप्रोच की किया है, अभी हाल में ही उपचुनाव संपन्न हुए हैं। सबसे बड़ी चीज है कि जब चुनाव पहले होते थे तो उसमें कहा जाता था कि हम तो मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, और एक ऐसा साइक्लोन तैयार किया गया कि उससे कोई भी, मतलब बीजेपी का फूल लेके कोई भी खड़ा हो गया और वो चुनाव जीत के चला आया। आज के समय में आपने दो महत्वपूर्ण सीटें, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि एक मुख्यमंत्री की सीट है जो उन्होंने छोड़ी और दूसरा उप मुख्यमंत्री की सीट है। कहां अप्रोच में कमी रहेगी? अगर आपने कहा कि एक साल में हमने सिर्फ जनता के लिए काम किया और जनता की भाषा को समझा, तो जनता ने बीजेपी की भाषा को क्यों नहीं समझा और उन्होंने क्यों हरवा दिया? जो दो उपचुनाव यहां हुए, अभी उपचुनाव में दो लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ, निश्चित रूप से जब आप लगातार जीतते हैं और जीतते जीतते अगर कहीं आप हार जाते हैं तो एक ब्रेकिंग बनती है, एक ब्रेकिंग खबर भी आती है।
उपचुनाव है उसमें उस तरीके के एक कैंपेन का स्वरूप भी नहीं रहता है। 19 के लोकसभा चुनाव से पहले ये दो हम लोकसभा हारे हैं, निश्चित रूप से हमारे लिए एक सबक है और जो हमारी कमियां रही हैं उन कमियों को भी ठीक करेंगे और हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कई भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, कई भाजपा के विधायकों ने मिठाइयां भी बांटी, इस हार को लेकर मिठाइयां बांटी हैं और बड़ा सोशल मीडिया पे ये सारी जो चीजें हैं वो वायरल भी हुई है कि चलो भाई इस बार ऐसा चुनाव रहा कि कांग्रेस ने भी मिठाई खिलाई, सपा ने भी मिठाई खिलाई, बसपा ने खिलाफ खुद भाजपा हारने वाली पार्टी ने भी मिठाई खिलाई। नहीं, मेरे पास तो ऐसी खबरें नहीं है। निश्चित रूप से जब आप लगातार जीतते हैं तो हारते हैं तो कहीं ना कहीं दुख तो सबको होता है, लेकिन एक अति आत्मविश्वास ये हमारी हार का कारण बना। और बागी भी हैं आपकी पार्टी में, आज राजभर जी जो हैं उन्होंने भी कहा कि सरकार ठीक से नहीं, सरकार के जो एक साल है उसको मैं बहुत पॉजिटिव उसमें नहीं लेता हूं। देखिए, जब आप अच्छी इनिंग खेलते हैं, लगातार आप सेंचुरी बनाते हैं तो पूरे सब जगह आपकी प्रशंसा होती है, और जब कई बार आप आउट हो जाते हैं, अपेक्षा के अनुसार रन नहीं बनाते हैं तो आलोचना तो झेलनी पड़ती है, चाहे अपना हो या बाहर का हो। यही अति आत्मविश्वास था कि नंदी, जो नंद गोपाल नंदी जी मंत्री हैं आपके, उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया कि एक बड़ा वोट बैंक प्रभावित हुआ और वहां पे भी फूलपुर में भी एक बड़ी हार हुई। देखिए, तुरंत उसको ठीक भी किया गया हम सबने, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। देखिए, लोकतंत्र में बोलने की आजादी तो सबको है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी पर कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी हो और इस तरह की शब्दावली में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि लेकिन उसी शब्दावली को मुख्यमंत्री जी ने कवरेज फायर भी दिया था कि हाँ वो मेरा हनुमान है। लेकिन फिर भी इस तरह के बयानों से खासतौर से कैबिनेट मंत्रियों को बचना चाहिए। अच्छा, ये अखिलेश यादव और मायावती का एक कॉम्बिनेशन बना और कहीं ना कहीं वो जो रणनीति थी वो सक्सेसफुल भी रही चुनाव को अगर देखा जाए, आगे आपको क्या लगता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो प्रयोग है, इसमें कौन खत्म होगा और कौन चलेगा? देखिए, एक तो एक काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, दूसरा अब मायावती जी को दलितों के चिंतन की बात नहीं करनी चाहिए, दलितों के हितों की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण अगर दलितों का हुआ तो समाजवादी पार्टी के सरकार के समय हुआ। दूसरा, ये जो गठबंधन है ये निजी स्वार्थों पर टिका है, इसमें प्रदेश का कहीं कोई हित नहीं है, प्रदेश का हित भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर ये कॉम्बिनेशन हुआ है और ये आगे चला तो फायदा इन दोनों में से किसको और नुकसान किसको है? देखिए, उसके लिए तो आप लोग एनालिसिस करिए। नहीं, आप भी तो मतलब चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं और आपने कहा कि हम हर चीज से सीखते चले आए हैं, तो जो भी सीखा तो हमारे दर्शकों को बताइए कि किसको फायदा होने वाला है। मैंने कहा कि किसी को भी फायदा हो, लेकिन प्रदेश का फायदा इस गठबंधन से नहीं है, क्योंकि यह गठबंधन केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए किया गया गठबंधन है और समाजवादी पार्टी बिल्कुल श्रृंख हो गई थी, समाजवादी पार्टी बिल्कुल समाप्त हो गई। 14 के चुनाव में वो करारी हार उनको मिली, 17 के चुनाव में उनको करारी हार मिली और अभी जो निकाय चुनाव हुए उनमें भी अखिलेश जी के पास कुछ नहीं मिला। बहन जी को दो जरूर मेयर मिल पाए और नीचे आप लोगों ने चर्चा शुरू करती थी कि भाई आप बीजेपी के बाद बीएसपी है, तो इस गठबंधन का एकदम सीधा सीधा आप देख सकते हैं। और अखिलेश जी के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि अखिलेश जी कि जो राजनीति करने का तरीका है, क्योंकि अखिलेश जी तो मुख्यमंत्री बने नहीं थे, उनको तो आदरणीय मुलायम सिंह जी ने और आदरणीय शिवपाल जी ने मेहनत करके उनको मुख्यमंत्री बनाया था, और मुख्यमंत्री बनने के बाद में उन्होंने क्या क्या किया माननीय मुलायम सिंह जी के साथ और अपने चचा माननीय शिवपाल जी के साथ, ये सब लोग आप जानते हैं। तो भुआ जी के साथ क्या होगा, भुआ जी के साथ क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, ये आपने जो कहा है कि शिवपाल जी के साथ और मुख्यमंत्री जब अखिलेश यादव थे, 5 कालिदास मार्ग पे अखिलेश यादव रहते थे और 7 में शिवपाल जी रहते थे, वही सिचुएशन अब 5 में योगी जी रह रहे हैं और 7 में केशव मौर्य जी रह रहे हैं, और ऐसा कहा जाता है कि दोनों में मतलब बहुत ज्यादा समन्वय है नहीं, तो कहीं वही सिचुएशन बीजेपी में भी तो नहीं आगे बढ़ रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, वहां आदरणीय मुलायम सिंह जी वर्चस्व की जगह हर जगह होती है शर्मा जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी और उसके बाद फिर अखिलेश जी। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित भाई साहा, अगला अध्यक्ष कौन होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन इन लोगों के यहां कौन अध्यक्ष होगा सबको मालूम है, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। कांग्रेस में सीधा सीधा उनका एक परिवार चला आ रहा है, वहीं ऐसी सपा में ये सब हो रहा है,
तो हमारे यहां लोकतांत्रिक पार्टी और हमारे यहां सब लोगों के सब लोग मिलकर काम करते हैं और जिम्मेदारी किसको क्या दी जाती है भी केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। तो हमारे यहां वो हालात नहीं है जो समाजवादी पार्टी के जो हालात हैं, और समाजवादी पार्टियों के साथ समाजवादी पार्टी के साथ हमारी पार्टी की तुलना आप मत करिए। चलिए हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे और आपके विभाग के बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और श्रीकांत शर्मा जी से बातचीत जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी से, और अब वक्त है ऊर्जा के बारे में बात करने का। शर्मा जी बताइए, एक साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आपके विभाग की क्या आप मानते हैं? तो हमने सबसे पहले इजी टू कनेक्शन, आसानी से कनेक्शन कैसे लिया जा सकता है, हमने मोबाइल फोन की तर्ज पर यहां कनेक्शन देना शुरू किए। जो अनियमितताएं थी यहां, जो लापरवाही रहती थी कंज्यूमर के प्रति, उस लापरवाही को हम लोगों ने समाप्त किया। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी यह है कि उत्तर प्रदेश में जो मजरे अंधेरे में है, जो गांव अंधेरे में है, जो घर अंधेरे में है, उन तक ऊर्जा पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। पहले केवल चार जिलों में बीआईपी व्यवस्था लागू थी, केवल चार जिलों को बिजली उपलब्ध कराई जाती थी, बाकी अन्य जिलों को बिजली उपलब्ध नहीं कराई जाती थी। हमने बीआईपी कल्चर को समाप्त किया, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि। 18 घंटे गांव को, 20 घंटे तहसील को, 24 घंटे जिला मुख्यालय को, पिछले साल जर्जर व्यवस्था होने के बावजूद भी हम बिजली पहुंचाने में सफल हुए, और इस बार हमने व्यवस्था को और चुस्त किया है। इस बार और अच्छे से हम कंज्यूमर फ्रेंडली हमने इस विभाग को बनाया है। अपना जनसुनवाई केंद्र भी है हमारा, 1912 एक टोल फ्री नंबर भी है, हमारे ट्विटर पर भी लोग हमको अपनी शिकायत भेजते हैं, हमारे मोबाइल पर एसएमएस करके भी लोग शिकायत भेजते हैं। ईमानदार उपभोक्ता आपको समय पर पैसा देता है, उसको अच्छी सर्विस देना ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी है, हम लोग दे रहे हैं। अगर अखिलेश जी की सरकार के जाते समय का साल से आप तुलना करें तो 8 लाख लोगों को उन्होंने कनेक्शन दिया, हमने एक साल में 33 लाख लोगों को कनेक्शन दिए हैं। उन लोगों ने अंतिम वर्ष में अपने 24,000 मजरों को विद्युतीकरण किया, हम 56,000 मजरों का विद्युतीकरण कर चुके हैं। ये हमारा काम करने का तरीका है। वही अधिकारी हैं जो पहले सपा और बसपा के साथ काम किए हैं, आज वही अधिकारी हमारे साथ काम कर रहे हैं। कारण क्या लगा आपको कि मतलब एकदम से ऐसा क्यों चेंज आज? ये डिपेंड करता है कि लीडरशिप क्या है, आपका आपकी प्रशासनिक क्षमता क्या है। वही जो अधिकारी जो बिना पैसे के काम नहीं करता था, आज सीधा सीधा कंज्यूमर के इंटरेस्ट में काम कर रहा है। आज अपनी मीडिया टीम को लेकर जाइए, ज्यादातर लखनऊ के जितने बिजली घर हैं वहां आपको एक पूरा सूचना पट मिलेगा। फिर भी निजीकरण की बात कही जा रही है। सूचना पट आपको मिलेगा, सूचना पट पर पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अगर कहीं कोई उपभोक्ता के साथ कोई अगर भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, पैसे मांग रहा है, तो उस पर सब नंबर दिए गए हैं। लास्ट ईयर जो हमारी सरकार आई तो ये मांग 18,000 तक पहुंच गई, और ग्रिड की क्षमता 18,500 है। भुआ जी ने और बबुआ ने अपनी संपत्ति की वृद्धि तो की, अपने परिवार की वृद्धि तो की, लेकिन ग्रिड की क्षमता को नहीं बढ़ाया। हमने उस ग्रिड की क्षमता को 22,000 मेगावाट तक हमने ग्रिड की क्षमता बढ़ाई है। और जो पावर आप इंपोर्ट करते हैं उसकी क्षमता पहले बिल्कुल कम थी, हमने उसको 10,000 तक उस क्षमता वृद्धि की है। फिर अगर आपके अंदर पॉलिटिकल विल है और जो कमिटमेंट आपने जनता के साथ की है, ईमानदारी से अगर उसका अनुपालन करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर ट्रांसफार्मर किसी का फूक जाता है, 1912 पे अगर आप फोन करते हैं, हमने व्यवस्था की है पूरे गर्मी के अंदर जब तक कंज्यूमर से हम फोन पर संतुष्टि नहीं हो जाएगी उसकी, तब तक वो शिकायत आपकी क्लोज नहीं होगी। यानी कि कंज्यूमर से बात करने के बाद ही शिकायत आपकी क्लोज होगी, जिससे कि कहीं कोई गलतफहमी पैदा ना हो और झूठी रिपोर्ट देकर उस शिकायत को कोई जेई क्लोज ना करे। तो ये व्यवस्था को हमने किया। हमने आप अपना बिल घर से जमा कर सकते हैं, ग्रामीण बिल, शहरी बिल ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम आने वाले समय में इस व्यवस्था को मतलब नो ह्यूमन इंटरफेस, सीधा सीधा डिजिटल पर हम लोग व्यवस्था को लेकर आ रहे हैं, जिससे कि बिजली एक मूलभूत आवश्यकता है। 70 साल में भी अगर आप गांव में रोशनी नहीं पहुंचाएंगे तो फिर सरकार में आने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, हमने आपके चैनलों के माध्यम से भी खूब अपील की है कि हम अभी 150 रुपये प्रति हॉर्स पावर के हिसाब से पैसा लेते हैं। अगर किसान अपने ट्यूबवेल पर मीटर लगाना चाहे तो 1 रुपये 15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से उससे हम पैसा लेंगे। 6 रुपये 74 पैसे की बिजली हमको पड़ती है और वही बिजली हम किसान को 1 रुपये 15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दे रहे हैं। बाकी का अगर आप देखें तो लगभग 5.5 रुपये सरकार अपनी तरफ से व्यय कर रही है। केंद्र का एक नियम है, यानी कि राष्ट्रीय एक नीति है, जिसमें आपको पहले 30 यूनिट जो आपकी कीमत आ रही है उससे आधी कीमत पर आपको कंज्यूमर को देनी है। लेकिन ये योगी जी की सरकार है जिसने
30 नहीं बल्कि 100 यूनिट, पहले 100 यूनिट गांव हो या शहर हो, सबको हमने 3 रुपए में देने का फैसला किया है। 6 रुपए 74 पैसे की बिजली को आप पहले 100 यूनिट 3 रुपए में दे रहे हैं, सीधा सीधा 3 रुपए 76 पैसे का जो नुकसान है वो सरकार वहन कर रही है। तो इसको हमने कंज्यूमर फ्रेंडली बनाया है। चोरी की शिकायत अगर हमको कोई करता है तो हम 10% कंपाउंडिंग फी उसको देंगे जो हमको सूचना दे रहा है, और 10% कंपाउंडिंग फी जो हमारी विजिलेंस की टीम है उनको देंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करते हैं कि बिजली चोरी एक राष्ट्रीय अपराध है। आप जितनी बिजली उपयोग कर रहे हैं उतना बिल सरकार को जरूर दीजिए। अगर आप बिल देंगे तो जो घर आज अंधेरे में है उन घरों में रोशनी पहुंचेगी, किसान को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए बिजली मिलेगी, और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सहयोग करें, बिजली चोरी न करें। अच्छा, एक और बिजली का प्राइवेटाइजेशन भी सुनने में आ रहा कर रहे हैं बड़े शहर जो है, तो ये क्यों, मतलब फिर एक तरीके से जनता को फिर लगेगा कि जो बीजेपी गवर्नमेंट जैसे लोग कहते चले हैं कि वो पूंजीपतियों की सरकार एक तरीके से उनकी एक तरफ सोचते हैं। देखिए, 5 शहरों को हमने उसमें चिन्हित किया है, और उसमें जब ईमानदार उपभोक्ता समय पर आपको बिल देता है तो उसको सुविधा भी मिलनी चाहिए। ये कंज्यूमर के हित में है और इससे किसी को नुकसान होने वाला नहीं है, इससे केवल और केवल कंज्यूमर को ही फायदा होने वाला है। दूसरा क्या है कि हम 72,000 करोड़ के घाटे में हैं, और हम आर्थिक रूप से हम लोग ये विभाग बहुत कमजोर है, और जो सुविधाएं आप तेज गति से देना चाहते हैं कहीं ना कहीं उसमें पैसा एक बड़ी वजह है। तो अगर ये 5 जो शहर हैं इनको हमने प्राइवेट कर दिया है तो वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह भी डेवलप करने का काम ये कंपनियां करेंगी। जैसे तार आपके ढीले हुए हैं, केबलों की हालत अच्छी नहीं है, तो ये वहां इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और जो एक व्यवस्था जो खराब है उसको दुरुस्त करने का भी काम करेंगे। अच्छा, अभी आपने कहा कि सरकार जो है उन्हीं अधिकारियों से काम कर रही है जो पहले के गवर्नमेंट में थे, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था उन्हीं के कारण खराब हुई जिसके चक्कर में आपको निजीकरण में जाना पड़ रहा है। ऐसे लोगों पर कौन सा एक्शन आप लेने जा रहे हैं? कुछ लोगों ने हमारी सरकार की मंशा के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है, कुछ लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं, निश्चित रूप से वो चिन्हित होंगे। तो ऐसे ज्यादातर लोगों ने सरकार योगी और मोदी जी की सोच के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन जो लोग अभी भी कहीं ना कहीं किसी कारणवश से जुड़ नहीं पाए हैं, मुझे लगता है कि अब 1 साल का जो कार्यकाल हमारा पूरा हुआ इसके बाद जुड़ जाएंगे। नहीं जुड़ेंगे तो उनके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, रिटायरमेंट ले लो, नहीं तो सरकार बाध्य कर देगी कि रिटायरमेंट ले लो। तो ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों की आप कोई नीति बना रहे हैं, मतलब जो अभी आपके फेवर में नहीं आया है आपके हिसाब से काम नहीं? देखिए, भ्रष्टाचार पर तो हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। किसी भी विभाग में अगर भ्रष्टाचार कहीं भी पाया जाएगा तो ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों की आप कोई नीति बना रहे हैं, मतलब जो अभी आपके फेवर में नहीं आया है आपके हिसाब से काम नहीं? देखिए, भ्रष्टाचार पर तो हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। किसी भी विभाग में अगर भ्रष्टाचार कहीं भी पाया जाएगा तो कठोर से कठोर कार्रवाई होती है। सभी जो मंत्री हैं हमारे, उन्होंने अपने एफिडेविट मुख्यमंत्री जी को दिए हैं और पार्टी के अध्यक्ष को दिए हैं। तो व्यवस्था हम ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, लेकिन उसकी हम अपने आप से ही उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। कोई भी अधिकारी कहीं भी अगर कहीं भी किसी भी भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा तो कठोर से कठोर कार्रवाई हम उसके खिलाफ करेंगे। अच्छा, अधिकारियों की बात कर रहे हैं, चलिए बिजली विभाग को अब छोड़ के हम लोग उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बेलगाम जो ब्यूरोक्रेसी उत्तर प्रदेश की नौकरशाही इतनी ज्यादा बेलगाम है, और अभी एक ही दो दिन पहले कई ट्रांसफर्स ऐसे हुए जिसको नहीं होना चाहिए था, जैसे होम डिस्ट्रिक्ट में किसी का ट्रांसफर हो जाना, या फिर बहुत ज्यादा परेशानी या बहुत ही ज्यादा हमेशा चर्चा में रहे गोरखपुर के डीएम, उनको हाईकोर्ट ने हटाने की बात कही, उनको नहीं हटाया गया। उसके बाद जब बीआरडी मेडिकल कॉलेज का एक मामला जब पिछले साल सामने आया, उसके बाद भी लगातार चलते चले आ रहे थे, तो ये क्या, किस तरीके से इन सारी चीजों को सरकार, इन सारी चीजों पर कैसे एक अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि जो अधिकारी हैं, अधिकारियों की अगर पोस्टिंग एक बहुत बड़ा एक फैक्टर रखता है किसी भी शासन को सही तरीके से चलाने के लिए। देखिए, मैं आपसे सहमत हूं कि क्योंकि समय हमारा अभी 1 साल हुआ है और व्यवस्था यहाँ बहुत जर्जर थी, निश्चित रूप से उसमें अधिकारी भी हैं, उनकी मानसिकता वही थी जो उनके नेतृत्व की मानसिकता थी जो यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में काम करते थे, लेकिन अब स्पष्ट है अब तो सरकार की मंशा के अनुसार अधिकारियों को काम करना पड़ेगा। अब देखिए, कानून व्यवस्था, हम जब आए थे तो कानून व्यवस्था यहां जर्जर थी, आज अपराधियों में इतना खौफ है कि अपराधी उत्तर प्रदेश में अब सरेंडर करने से बच रहे हैं, दूसरे राज्यों में जाकर कर रहे हैं। जो जेल में अपराधी हैं वो बाहर नहीं आ रहे हैं, बेल नहीं ले रहे हैं। तो एक ये खौफ है, ये इकबाल है योगी सरकार का, और
योगी जी ने लगातार सभी अधिकारियों को, हमारे सभी मंत्रियों ने खूब कंफर्ट दिया है, पूरी आजादी दी है काम करने की, लेकिन यहां स्वतंत्रता तो है, स्वच्छंदता नहीं। एक और सवाल बड़ा जायज सा होता है कि जो अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं पार्टियों के साथ इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं या उनके ऊपर एक पार्टी का टैग लग जाता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अधिकारी हों। अब बसपा के कुछ अधिकारी अलग होते हैं, वो दूसरे गवर्नमेंट आती है तो कहीं प्राइम पोस्टिंग ना पाके किनारे पड़े रहते हैं, सपा के जो अधिकारी रहते हैं, तो इस चीज को हटाने के लिए क्या बीजेपी ने कोई कदम ऐसा उठाया? और सबसे बड़ी जो समस्या है कि वो अधिकारी मंत्री से किसी कार्यकर्ता या किसी ब्रोकर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, उन सारी चीजों पे कैसे लगाम लगेगी? और जो जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो कई ऐसे विधायक भी हैं जिनके साथ कई नामी गिरामी माफिया भी देखे गए हैं, और जो इश्तिहारी बदमाश थे वो उनके साथ उनकी पार्टीज में जा रहे हैं और बाकायदा फोटो खिंचा के फेसबुक पे भी पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे कई चैनलों ने ये खबरें भी दिखाई हैं, खासतौर से पश्चिम, आपके पश्चिम की बात किया जाए तो पहले की सरकार में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, बलात्कारियों को अपनी कार में पीछे वाली सीट पर बिठाकर घुमाया जाता था, जवाहरबाग के आरोपियों को बचाया जाता था। अब ऐसा भी कोई घटनाक्रम हमारी सरकार में आप देखने को आपको नहीं मिलेगा। अपराधियों के साथ सख्ती हमारी सरकार कर रही है और कोई सिफारिश या किसी भी तरह के अपराधी को संरक्षण हमारी योगी सरकार में किसी भी तरह से किसी अपराधी को कोई संरक्षण नहीं है। तो अब अच्छा, ये जो एक और सवाल मैंने आपसे पूछा था, पॉलिटिकल जो सिनेरियो होता है अधिकारियों का, उसको कुछ खत्म करने की बीजेपी कोई कोशिश? उसमें आप पर निर्भर करता है कि आपकी अप्रोच क्या है। हमारी अप्रोच तो अब भेदभाव की नहीं है। पहले केवल एक वर्ग विशेष के लिए काम होता था या फिर अपने और अपनों के लिए काम होता था, तो अधिकारी उसी मनसा से काम करेगा, अधिकारी का तो फिर राजनीतिकरण हो ही गया। हमारी सरकार तो ईमानदारी से सबके लिए काम कर रही है। तो आपका वर्क कल्चर में ये निर्भर करता है कि आप किस अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। अधिकारी भी उसी अप्रोच के साथ काम करता है। हाँ, निश्चित रूप से जो पॉलिटिकल जो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण उन अधिकारियों का हो गया था, वो अधिकारी सब हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बहुत लोग सुधर गए हैं और बहुत लोग सुधर जाएंगे। नहीं सुधरेंगे तो हमारे पास उनको सुधारने के कई रास्ते हैं। तो चलिए श्रीकांत शर्मा जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, एक साल पूरे होने पर आपको बधाई भी, और जैसा आपने कहा कि अभी कई लोगों को सुधरना बचा है और सिस्टम धीरे धीरे सुधरता है। तो श्रीकांत शर्मा जी बता रहे थे कि बिजली में भी काफी जो सुधार है वो आने वाले समय में देखेंगे, निजीकरण से भी फायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला। और जहां तक अधिकारी और बाकी पॉलिटिशियंस की बात कही है, जो उनको भी कहीं ना कहीं ऊपर से लगाम लगाने की बात श्रीकांत शर्मा ने अपने इंटरव्यू में हमसे बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप देखते रहिए समाचार प्लस।